वॉट्स अप गाइस, गेम शो का सकाई मंडली। सो बहुत टाइम बाद मतलब वापस 10-15 दिन के गैप के बाद व्लॉग बना रहा हूँ। आज कुछ नहीं, एक नॉर्मल व्लॉग है। किधर जा रहा हूँ, एक लंच पार्टी है अपने ग्रुप की, फ्लाइंग स्क्वाड इंडिया की। सो उसमें सब लोग मिलने वाले, तो हम भी जा रहे हैं। हमें इन्विटेशन आया, हमने ऑर्गेनाइज किया, ऐसा ही समझ लो। अपने साथ अपनी निम्बस भी जा रही है। निम्बस का अपडेट दे दूँ तो ये रही अपनी निम्बस। थोड़ी इसकी हालत ख़राब है, दिखा दो आप लोगों को। थोड़ा कौन सेट इसका वीक हो चुका है। इसका जो क्लच है वो देखो, इतना प्ले आ चुका है तो क्लच वीक हो चुका है। थोड़ी गाड़ी को वॉशिंग की, थोड़ी नहीं सहज ज़रूरत है वॉशिंग की, क्योंकि गाड़ी वॉश नहीं है। चेन लूप वगैरह करना है। और ये देखो मेन अपडेट, अपना टॉप बॉक्स मैंने हटा दिया है। उसका रीज़न जो अपना आपको दिख रहा रहेगा, ये देख रहे हो यहाँ पे क्रैक आ चुका है। सो अपना जो रैक है वो बेंड हो गया। अपन मार्शल राइड पे गए थे, उसका मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि जस्ट एक मार्शल राइड था। तो मार्शल राइड पे गया था तभी अपना रैक टूटा तो टॉप बॉक्स अभी लगा नहीं सकते। तो अपना टॉप बॉक्स जो है आज का, वो जाने वाला है अभी अक्षय भाई के पास। वो भी आप लोगों को ब्लॉग में दिखाऊंगा। अक्षय भाई अपना टॉप बॉक्स लेके जाएंगे, उसमें चेंजेस करेंगे, उनके बाइक पर बिठाएंगे, कैसे क्या होता है वो सब दिखाएंगे। और लंच पार्टी में भी तुम लोगों को लेके जाऊंगा। तो अभी निकलता हूँ, निम्बस लेके निकल रहा हूँ। अपना हेलमेट रेडी है, ये अपना नया इंटरकॉम, और ये चलो निकल जाओ। कल मैं शायद पुणे जा रहा हूँ, उसका भी ब्लॉग बनाऊंगा। बंदर नाचेगा, सॉरी फॉर दिस साउंड। तो चलो निकलता हूँ अभी हेलमेट के पीछे, थोड़ा गाड़ी लेके घूमता हूँ और सीधा डेस्टिनेशन पे। तो गाइस अभी निकल तो चुका हूँ घर से, सब लोग अभी आ रहे, ऑन द वे ही है। तो आने वाले कौन कौन है ये मैं आपको बता देता हूँ। दीपेन भाई आ रहे हैं पूना से, वो यहाँ पे कुछ काम के लिए आए तो वो मिलने वाले हैं। अपने अक्षय भाई आ रहे हैं डोमिनार वाले। रोहित आ रहा है जो आपको मोटो मिनेक के व्लॉग में था, वो रोहित आ रहा है। और दूसरे रोहित आ रहे जो मार्शल वाले राइड में थे, आप लोग उनसे मिले रहेंगे शायद कभी किसी व्लॉग में दिखाया रहेगा तो। बट आज सब लोग से आपको मिलाऊंगा, बंदर नाचेगा। और बाइक अपडेट जैसे मैंने आपको दिया, बाइक के पूरी वाट लग गई है, बाइक चल रही है, रनिंग है, अभी भी लद्दाख मार के आ जाएगी, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट गाड़ी इतनी प्रॉपर नहीं है, मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं रह सकता कि लेके भागूं। और कल मैं शायद पुणे जाऊँ, शायद अगर गया तो उसका ब्लॉग बने ना बने वो भी पता नहीं। उसके पीछे भी रीज़न है, फैमिली के साथ जा रहा हूँ, कुछ फैमिली टाइम स्पेंड करने। तो व्लॉग बनाऊँ ना बनाऊँ, जैसे भी होगा क्या होगा अपडेट दूंगा। और मैंने देखा यार आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, क्यों पता नहीं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो आपको लाइव अपडेट मिलेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, किधर हूँ। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। ये देखो अपने को एक फ़ोन आ चुका है अक्षय भाई का, बात करते ज़रा। हेलो बोलो। तो वही अक्षय भाई का कॉल था कि कैसे क्या प्लान आउट करना है उसके लिए। तो अभी वही हम सब भगवान, कैसा गाड़ी चलाते रे बाबा ये डोंबेली में। मैं बोलूँ ना, मेरे को एक दिन के लिए पुलिस वाला बना दो, इन लोगों को बता देता हूँ क्या है। अंकल मुझे बाद में देखो, पहले चलो आगे। हाँ तो मैं ये बोल रहा था, एक सरप्राइज आ रहा है आज तुम लोगों के लिए। वो सरप्राइज क्या है, एक गाड़ी आ रही है, ठीक है। तो वो गाड़ी मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा, तुम लोग देखो, मज़ा आएगा तुम लोगों को। उसके लिए सोच रहा हूँ रील बनाने का। अबे रील की माँ की आँख रे, माइक लाना भूल गया। एफ इन द चैट गाइस, मैं माइक लाना भूल गया हूँ। देखते थोड़ा शांत जगह पे जाते हैं और वो रील बनाना है एनी हाउ, क्योंकि एक ऐसी गाड़ी आ रही है जो जिसको मैं ढूंढ रहा था इतने टाइम से, और लकीली मुझे वो सामने से आई गाड़ी। ठीक है अभी जाते हैं, जैसा भी है जो भी है, होटल पे मिलते हैं, सब लोग आएंगे तभी एक थोड़ा पार्ट शूट करके तुम लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि ये व्लॉग शायद बड़ा होगा। अपनी जो गैंग है वो आएगी, सबसे मिलाऊंगा, ठीक है।
तो One eternity later. तो ये मैं बोल रहा था, अभी देखो पूरा बाइकर सेशन। अभी हम लोग आए थे होटल में खाना खाने, तो खाना वगैरह खा लिया। अरे देखो एक दो तीन वहाँ पे चार, ये अपने रोहित भाई वहाँ पे भी है। एक देखो वहाँ पे सीधा जूम करके बताते, ये देखो ये भी अपना ही गाड़ी है। और ये यहाँ पे सारे दीपेन भाई है, रोहित है, यहाँ पे नागेश भाई है, और ये अपना अक्षय भाई। तो अभी वही हम लोग का थोड़ा लंच का प्लान बना था अचानक में, तो आओ ना यार रोहित भाई, हो तुमको बुलाया। लंच तो एकदम हो गया परफेक्ट, कोई बर्गर भी खा लिया। अभी सब लोग एक टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं। अभी वही मैं बोला सरप्राइज जो आया अपने पास, ये जो हिमालयन आई है उसके ऊपर सब लोग एक एक टेस्ट राइड लेने वाले हैं और गाड़ी लेने का प्लान भी है। तो रोहित भाई अभी ये गाड़ी टेस्ट राइड लेने के बाद विल थिंक अबाउट इट, बुकिंग कभी करना है देखते हैं। नहीं अभी देखो मैंने इनको मोटो महीना में बोला था कि एक्सपल्स ले लो, बट अभी ये आ गया। शाइन भेज देंगे तुरंत, शाइन और ये गाड़ी भेज देने का तुरंत, और ये ले लेने का। ये ले ले, ये ले ले भाई, इसीलिए टेस्ट राइड ले रहा हूँ ना। बाबा चप्पल निकाल के फोटो लो, इसका इसके पहले फोटो लो। तो चलो अभी हम जाते हैं। और गाइज ये अपना है फर्स्ट टेस्ट राइड हिमालयन के ऊपर, देखते कैसे जाते। ओ माय गॉड सीरियसली, माय गुडनेस यार, ओ माय गॉड, सेडलिंग भी एक नंबर हो रहा है इसके ऊपर। मतलब भाई साहब, ओ वाओ, जो इसका TFT डिस्प्ले है अगर आप देखो एकदम क्लास है। अभी थोड़ा बैठ के मस्त फील लेते हैं, सीरियसली ऑसम जो TFT डिस्प्ले है, हाइट है, टैंक, मतलब सोच सकते हैं गाड़ी अपग्रेड करने के लिए। अगर हम चेंज कर रहे हैं इसके बाद, अगर कोई नया गाड़ी ले रहे तो सोच सकते थोड़े मोड्स तो करने पड़ेंगे। जैसे बोलो आप हैंड गार्ड बोलो, मिरर का जो व्यू है वो थोड़ा छोटा है तो मिरर हमें चेंज करने पड़ेंगे, क्रूज कंट्रोल लगाना पड़ेगा, इसके बाद थोड़ा इसका जो हमें क्लच सेटिंग है वो देखना पड़ेगा, फॉग लाइट ऑब्वियसली लगाने पड़ेंगे, टैंक बड़ा है बहुत, यहाँ पे E20 की बैजिंग दी हुई है, वैसे तो टैंक बहुत बड़ा है, विंडस्क्रीन छोटी दी हुई है, विंडस्क्रीन हमें थोड़ी बड़ी लगानी पड़ेगी।
क्या बोल रहा हूँ, लगानी पड़ेगी। अभी तो ये गाड़ी हमारी नहीं है, ये गाड़ी दीपेन भाई के पास आई है। हम एक जस्ट टेस्ट राइड ले रहे हैं कि गाड़ी अगर आई तो क्या क्या कर सकते हैं। ऑसम गाड़ी, ऑसम ऑसम, सीरियसली ऑसम गाड़ी। So Tejas, how's your experience? बेचने का प्लान कोई डीलर रहेगा तो कॉन्टेक्ट करो, बेच देता होगा। तो ये जो अभी अपने देखी जो गाड़ी चलाई वो दीपेन भाई की थी। दीपेन भाई, दीपेन भाई थैंक यू सो मच फॉर बाइक राइड। इनके पास से आज अपने को बाइक चलाने को मिला है। कौन सा मिला वो भी बताया कि नहीं? वो बताया, हिमालयन का मिला है नया वाला मॉडल। तो अभी थोड़ा डिस्काउंट मिला तो हम वो भी ले लेंगे। और सपने यहाँ पे टच शर्ट लिए अपने रोहित भाई या अक्षय भाई, ये भी पहली बार मिले, इनसे भी हम पहली बार मिले, और मतलब सभी खाली ये अपने को मिलते रहते हैं। तो ये अभी देखते हैं कैसा क्या होता है, गाड़ी अगर मिला तो ले लेंगे, पैसा भी थोड़ा स्पॉन्सर करवा लेंगे। One eternity later. तो पूरे दिन थक हार के चकनाचूर होके हम आ चुके हैं घर पे अभी। तो आप लोगों को अगर अपडेट दूं तो जो लास्ट शॉट आपने देखा होटल के बाहर का वो था अराउंड 4:30 बजे, और अभी बज रहे रात के 11। मैं वही सोसाइटी के नीचे हूँ थोड़ा, मैं बोला शूट कर लेता हूँ, शूट अपना ब्लॉग एंड करना बाकी है, शूट मतलब ब्लॉग अपना एंड करना बाकी है और ब्लॉग हम एंड कर रहे हैं। सो हमने गाड़ी चलाई, मेरा जो टॉप बॉक्स था, जो एनएस के पीछे अपना टॉप बॉक्स लगा था, वो टॉप बॉक्स मैंने दे दिया अक्षय भाई को। अक्षय भाई अभी थोड़ा दिन वो टॉप बॉक्स यूज़ करेंगे, अगर उनको अच्छा लगता है तो ही विल बाय अ न्यू वन, अदरवाइज मुझे मेरा टॉप बॉक्स सेल करना पड़ेगा। रीज़न बीइंग अपना जो रैक है वो रैक टूट चुका है, जैसे मैंने ब्लॉग के स्टार्टिंग में बोला, और रैक नया बनाने जा रहा हूँ तो मुझे हेमंत भाई जो एचडीडी कस्टम है वहाँ से 8,500-9,000 का खर्चा आया, तो वो वर्थ है नहीं अभी इतना तो मुझे पता नहीं, डिस्कस करूँगा और थोड़ा। और अगर वो वर्थ नहीं है तो हमें टॉप बॉक्स सेल करना होगा और हम लगेज सॉफ्ट लगेज के ऊपर ही काम चलाएंगे, देखते जैसे क्या होता है। और मोस्टली कल मैं पूना निकल रहा हूँ तो उसका भी एक नया ब्लॉग मैं देख रहा हूँ बनाने का। दूसरा इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, तुम लोगों को अच्छा अच्छा कंटेंट वहाँ पे आएगा। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, राइड सेफ, मिलता हूँ सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में। हैव अ गुड डे।